आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। हुस्न वालों की महफिल में नया हूँ, शर्मा रहा हूँ। तेरे मैखाने में पहला कदम है, घबरा रहा हूँ। BIT के हॉस्टलों, BHL में सेवाओं, उम्दा कंपनियों में सलाहकार के नाते और राजनीतिक गलियारों से गुजरते हुए मैं राकेश सूद हिदायतें देते देते शायर बन गया। इंसानियत मेरा ईमान, मोहब्बत मेरी पहचान और रश्क मेरा तकल्लुस। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए समझते हैं, करते हैं कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? शुक्रिया। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज फिर एक और अपने नई गजल के चंदा छाल लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी, मुलायदा फरमाइए। अर्ज किया है, परखने में जमाने को इस दिल ने बहुत धोखे दिए हैं। इसी खता ने मुसलसल जख्म बहुत अनोखे दिए हैं। कब तक संभालता मैं तेरी बेरुखियाँ बेवफाओं को, संभलने के मैंने यकीनन तुझे कितने मौके दिए हैं। उम्र जीने की कभी कोई सयाद परिंदे की नहीं दिखता, उम्र जीने की कभी कोई सयाद परिंदे की नहीं लिखता। सांस लेने को खुदा ने काफी कफस में झरोखे दिए हैं। यूं तो बहुत कुछ है खजाने में तेरे, जानता हूं या इलाही, बदनसीब को क्यों जाने रंदोगम देखे परखे दिए। बदनसीब को क्यों जाने रंदोगम देखे परखे दिए हैं। बुरा भला कहते हो आप जिस जमात को नफरत से, कितने आला गुलशदर चमन को महकते दिए हैं। कितने आला गुलशदर चमन को महकते दिए हैं। बेसहारा गुमनाम भटक रहा था अनजान इस शहर में, तुम्ही ने बेखौफ जीने के गैरों में रश्क सलीके दिए हैं। तुम्ही ने बेखौफ जीने के गैरों में रश्क सलीके दिए हैं। परखने में जमाने को ये दिल ने बहुत धोखे दिए हैं। इसी कथा ने मुसलसल जख्म बहुत अनोखे दिए हैं। शुक्रिया।